और चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज योगिनी एकादशी है। हमारे हिंदू धर्म के व्रत विधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह तन मन विचार और व्यवहार को पवित्र और शुद्ध करने का उद्देश्य होता है, जिससे व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन के भाव और स्वभाव को संयमित और नियमित रख करके पवित्र रखने का प्रयास करे। भाव का संबंध किसी भी व्यक्ति की इंद्रियों से होता है, उसके सेंसेस से होता है। इंद्रिय संयम खोने पर ही व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रोगों से पीड़ा प्राप्त करने लगता है। हिंदू व्रत इंद्रिय संयम का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ व्रत का जो विधान है वो भी बहुत कठोर है। आपको अपने शरीर को, अपने सेंसेस को इतना नियंत्रित रखना होता है कि हम लोग अमूमन जो घर में महिलाएं हैं वो अक्सर ऐसे व्रत किया करती हैं कि जिसमें निर्जला रहना पड़ता है। पुरुष एक बार को शायद व्यथित हो जाए, परेशान हो जाए, उनका संयम टूट जाए, लेकिन महिलाओं का संयम जो है इस मामले में बहुत ही श्रेष्ठ है। इसी क्रम में एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही प्रमुख बताया गया है। हर हिंदू माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी पूरे एक वर्ष में दो पक्ष मिलाकर के पूरे 12 महीनों में 24 व्रत आते हैं, जिनका महत्व बहुत समान होता है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी का जो व्रत है वह भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु के हृदय के समान बताया गया। ऐसा बताया गया कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि यह व्रत मुझे बहुत पुण्य है और एकादशी जो है वह मेरे हृदय के समान है। जिसके व्रत पालन से व्यक्ति पाप मुक्त होकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं वो पूर्ण होते हैं। किंतु शास्त्रों में हर एकादशी के व्रत के पालन का कुछ ना कुछ अलग अलग फल बताया गया है। विधान समान होता है लेकिन उसके लाभ और उसके फल जो हैं वह निश्चित तौर पर कुछ अलग होते हैं। हिंदू माह के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इस व्रत के विधान, नियम और संयम के जो फल बताए गए हैं वह योगिनी एकादशी शब्द से ही स्वयं बना हुआ है। योगिनी का शब्द स्वयं में अपने आप में योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संगम या फिर मिलाप होना। इस व्रत के पालन से विपरीत समय के कारण अलग हुए लोग फिर से मिल जाते हैं। वह पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई भी भावनात्मक संबंध या रक्त का संबंध हो जो किसी न किसी कारण से, परिस्थितिजन्य कारणों से वह अलग हो गए हो। इस व्रत को पालन करने से भगवान विष्णु आपको पुनः एक बार मिला देते हैं। हो सकता है आपका जन्म जन्मांतर का साथ रहा हो सकता है बाप बेटे का जन्म जन्मांतर का साथ रहा हो, किसी न किसी कारण से बिछड़ गए हो, लेकिन इस व्रत का पालन करने से वह पुनः एक बार साथ आ जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति निरोगी भी रहता है। खासतौर पर कुष्ठ या त्वचा से संबंधित रोग यानी स्किन एलर्जी से संबंधित जो पीड़ा व्यक्ति भोग रहा है वह अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो निश्चित तौर पर वह रोगमुक्त हो जाता है और स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है। इस तरह योगिनी एकादशी व्रत का फल जो है स्वास्थ्य और संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार करना चाहिए व्रत का विधान, क्या हो व्रत की विधि, आइए ये भी जान लेते हैं। अभी हमने महात्म्य जाना। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के नियम पालन जो है वह दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाते हैं, वह किसी भी व्यक्ति को आरंभ कर लेना चाहिए। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्री प्रसंग तरीके की चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन यथासंभव आप उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण न करें तो सर्वोत्तम होता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, बिना अन्न का भोजन किए आपको व्रत करना होता है। आप फल दूध इत्यादि ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। यदि आपसे संभव हो न हो पा रहा हो कि आप जो है व्रत न कर पा रहे हो या आप अन्न ग्रहण न कर पा रहे हो तो अगर संभव न हो तो एक भुक्त या नक्त व्रत आपको रखना चाहिए, यानी एक समय रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। ये खासतौर पर विधान उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रोग से अक्षम है लेकिन फिर भी श्रद्धा होने के कारण व्रत करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से, इस विधान से इन परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में व्रत को कर सकते हैं। एकादशी की तिथि में जुआ खेलना, सोना, पान खाना यानी किसी भी प्रकार का धूम्रपान प्रयोग में लेना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, दातून करना, परनिंदा करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा की गतिविधियों में सम्मिलित होना, संभोग तथा क्रोध की परिस्थितियों में लिप्त रहना,
झूठ बोलना, इन 11 बातों का त्याग करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से व्यक्ति को बचना चाहिए। एकादशी के दिन में प्रातः स्नान करके श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यह धार्मिक कार्य स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण आचार्य से भी कराया जा सकता है, आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। जिसके अनुसार स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में जो मंत्र मैं बताता हूँ उसको आपको उच्चारित करना है। मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निर्वृत्ति कामनया योगिन्य एकादशी व्रत महम करिष्ये, अर्थात मेरे हर प्रकार के रोग और शोक को आप दूर करें, इस कारण से मैं योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं, यह संकल्प आपको करना चाहिए। इसके बाद भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का यथा पुजार आपको पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के, खासतौर पर जहां रोग है, जहां आपको कोई स्किन एलर्जी हुई है उस पर आपको अवश्य लगाना चाहिए। और उसके बाद चरणामृत का स्वयं आपको पान करना चाहिए, चरणामृत पी लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे विशेष रूप से कुष्ठ रोग से की जो पीड़ा होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति यदि इस विधि से पूजा करता है और उस पंचामृत का इस प्रकार से प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर रोग मुक्त हो जाता है। उसके उपरांत गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन सामग्री लेकर के आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं और उसके अलावा उनकी उनसे संबंधित जो भी कथाएं हैं, विष्णु जी के जो नाना प्रकार के मंत्र हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों से आराधना एवं व्रत करना चाहिए और उसके साथ साथ कथा का पाठ करना चाहिए, आपको लाभ मिलता है। तन मन से हिंसा का त्याग करें और किसी की बुराई न करें, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन एवं श्रीहरि का स्मरण करते हुए दिन और रात बिताते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत के ऐसे पालन से सभी रोगों और व्याधियों से व्यक्ति अंत में मुक्त हो जाता है। साथ ही मन के अलगाव की भावना भी मिट जाती है और बिछड़े हुए परिजन या संबंधी से आपका पुनः एक बार मिलने का संयोग बनता है, मिलन हो जाता है। योगिनी एकादशी का संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहता है यह व्रत या यह तिथि, आइए जानते हैं। इस व्रत के फल पर यदि व्यवहारिक दृष्टि से आप विचार करें तो हर व्यक्ति जीवन में किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या व्यवहार में सुंदरता ही देखना पसंद करता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के मन में किसी के साथ संबंध में या अलगाव की परिस्थिति में और कटुता के बाद भी कहीं ना कहीं मिलने की टीस अवश्य रहती है। आपको लगता है कि ठीक है भाई, चलो विवाद हो गया, तनाव हो गया, लेकिन अब हमें मिल जाना चाहिए, अब हमारे संबंध पुनः जो है वह बहाल हो जाएं, तो उस कामना के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं। हिंदू धर्म के व्रत विधान भी इन मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। इसी कड़ी में योगिनी एकादशी का संदेश है कि अगर कोई सूरत और स्वभाव दोनों ही तरह से सुंदर बनना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि शारीरिक, मानसिक, वैचारिक अनुशासन व संयम आप पालन करें। इसी तरह संबंधों के अलगाव या कटुता के अंत के लिए ही जरूरी है कि आप स्वयं अपेक्षा रहित होकर के भी और अहम भाव को छोड़ करके एक कदम आगे बढ़ाएं, आप स्वयं अपनी तरफ से प्रयास करें तो निश्चित ही श्रीहरि आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में भी आपने समझा, अपनी राशि के बारे में भी जाना। इसके साथ ही पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी धन्यवाद। इसके साथ ही आपके सितारे में ही बीमारी।